डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन फिफ्थ जो है। फोर्थ सेशन में हमने कुछ डॉक्टर्स के बारे में नाम देखे थे, कौन कौन से थे। न्यूरोलॉजिस्ट था, इंटरनिस्ट था, डर्मेटोलॉजिस्ट था, कार्डियोलॉजिस्ट था, और साइकेट्रिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिस्टिशियन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। कुछ हमने टोटल जो है वो 10 डॉक्टर के नाम हमने पिछली वीडियो में हमने देखे थे, जो नॉर्मल लॉज की मैंने ये जो बुक है उसी में करवा रहा था। आज मैं क्या कर रहा हूँ, उन 10 में से कुछ एक चार या पांच नाम है, पांच नाम मैं अभी उठाऊंगा। उन पांचों में से जो भी आप लोगों के नए नए जो रूट वर्ड उनमें पांचों में से निकल के आएंगे, हम उनको देखेंगे। एज यूजुअल, जैसे सेशन फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, ऐसे ही सेशन फोर में से हमने कुछ नए वर्ड्स देखे। अब सेशन फाइव में उस नए वर्ड्स में से कुछ, उन नए वर्ड से हमने कुछ नए नए कुछ बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है क्योंकि बहुत सारा है, बहुत सारा मटेरियल है बताने को। ओके, मैंने यहाँ पे हिंदी भी यूज़ की है ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैं इंटरेक्ट करा सकूँ इन वर्ड से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने इंटरनिस्ट देखा था। ओके, इंटरनिस्ट, इंटरनिस्ट का मतलब जो क्या करता है, आपको एग्जामिन करता है और फिर आपको बताता है कि आपकी बीमारी क्या बीमारी है, क्या क्या कारण है उस बीमारी के। ओके, तो उसी से रिलेटेड पहला है इनसाइड यू, एक आइडिया है इनसाइड यू। क्या बोलते हैं, इंटरनिस्ट एंड इंटरनल ड्राइव फ्रॉम द सेम लैटिन रूट इंटर्न्स। देखिए, इंटरनिस्ट और इंटरनल ये दोनों सेम टू सेम जो वर्ड हैं वो बने हैं लैटिन के, जो वर्ड लैटिन का जो रूट वर्ड है इंटरनस। इंटरनस का मतलब होता है इनसाइड। ये दोनों के दोनों वर्ड ये इंटरनस से बने हुए हैं, जो लैटिन का एक वर्ड है इंटरनस जिसका मतलब होता है इनसाइड। ओके, इंटरनिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट इन इंटरनल मेडिसिन। जो इंटरनिस्ट होता है वो स्पेशलिस्ट होता है जो इंटरनल मेडिसिन देने में, इन इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ योर इनसाइड, आपको पहले चेक करेगा फिर आपको मेडिसिन देगा। दिस फिजिशियन डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट्स हैपनिंग विद इन योर बॉडी टू कोज द ट्रबल यू आर कंप्लेनिंग ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ये फिजिशियन ये पहले तो चेक करेगा, डिटरमाइन करेगा कि आपको क्या, मतलब क्या डिसीज है, क्या कारण है आपके इंटरनल ऑर्गन को, पहले वो एग्जामिन करेगा। ओके, उसके बाद वो जो रीज़न है आपकी डिसीज़ का, आपकी बीमारी का, उसको पता लगाएगा, जो आप कंप्लेन कर रहे थे उसके बारे में, फिर आपको वो मेडिसिन देगा। ओके, इंटरनिस्ट बोलते हैं इसको। डू नॉट कन्फ्यूज विद इंटरनिस्ट विद द इंटर्न। ओके, ये बोल रहा है कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इंटरनिस्ट, इंटरनिस्ट INTERNIST, स्पेलिंग आपको अच्छे से देखनी है। जो इसने वर्ड बोल रहा है इंटर्न, INTERN लगा लो या इसके साथ में ई भी लगा लो, दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं। जैसे कि INTERN, इंटर्न। प्रशिक्षु बोलते हैं, प्रशिक्षु यानी आल्सो स्पेल्ड इंटर्नी, इसको इंटर्नी भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, इंटर्न या इंटर्नी का मतलब होता है हु इज अ मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग एन अप्रेंटिसशिप इनसाइड द इनसाइड ए हॉस्पिटल। एक अप्रेंटिसशिप नहीं होती, वो एक इंटर्न होता है जो एक हॉस्पिटल में रहता है और अपना जो ग्रेजुएट है वहाँ पे वो पूरी कर रहा होता है। क्लियर यहाँ पे? तो इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये एक फिजिशियन हो गया जो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन ये अभी सीख रहा है उस चीज़ को। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हमारा, डॉक्टर्स फॉर वुमेन। ओके, ये थर्ड टाइम है ये वर्ड हमारे सामने आ रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट स्टार्टिंग से, फर्स्ट सेशन से हम देखते आ रहे हैं इसके बारे में। द वर्ड गायनेकोलॉजिस्ट इज बिल्ट ऑन ग्रीक वर्ड गाइन से बना है ये, जिसका मतलब होता है वुमेन। फिर प्लस में इसके साथ हमने क्या लगा रखा है, देखो GYNE गायनेकोलॉजिस्ट, ये लोगोज लगा दिया जिसका मतलब होता है साइंस। अब यहाँ पे इसको एटमोलॉजिकली यानी इन दोनों शब्दों को मिलाकर ये बनता है गायनेकोलॉजी इज द साइंस। गायनेकोलॉजी इज द साइंस इन एक्चुअल यूज द मेडिकल साइंस ऑफ वुमेन। एक ऐसी जो वुमेन के लिए, जो वुमेन की बीमारियों की एक साइंस होती है वो वाला, इसको बोलेंगे गायनेकोलॉजी। और ओके, एक साइंस होती है ये गायनेकोलॉजिस्ट, जो इस साइंस को मतलब करता है। और नेक्स्ट जो इसको एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में बोलेंगे गायनेकोलॉजिकल, स्त्री रोग विज्ञान संबंधी, इसका हिंदी में मतलब होता है। और जिसकी प्रोनंसिएशन है वो ये रही गायनेकोलॉजिकल। काफ़ी सारा गोलमोल हो चुका है। देखो, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर आप सही जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और बहुत सारे वर्ड्स हम देख चुके हैं, बहुत सारे नए वर्ड्स हम सीख चुके हैं, तो अब बस आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा।
सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेशन फिफ्थ है, जब ये बुक कंप्लीट होगी तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हुई मिलेंगी। और इवन जब आप नए वर्ड्स आप देखोगे तो आप उसमें खुद ऑटोमेटिकली एक रूट वर्ड आप उसमें से निकाल पाओगे, दूसरे वर्ड्स के साथ आप उसको कंपेयर कर पाओगे। तो अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि इस चीज़ को कैसे पढ़ें या कैसे ना, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो यार, सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ हमने देख ली इसकी प्रोनंसिएशन, नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है इसी में ही अभी ऑब्स्टिट्यूशन। ओके, हमने ऑब्स्टिट्यूशन देखा था। ऑब्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, एक दाई होती है, क्या काम कर रही थी वो, ये कहाँ से बना है, एक लैटिन ऑब्स्टिट्रिक्स, ये एक लैटिन का जो वर्ड है ऑब्स्टिट्रिक्स, इससे बना है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ यानी आदि पत्नी। लैटिन में मतलब इसका आदि पत्नी होता है ऑब्स्टिट्रिक्स। लेकिन इसका काम क्या था, दाई का, विच इन टर्न, अरे चल जा, हाँ, विच इन टर्न हैज इट्स सोर्स इन ए लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड मिडवाइफ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। मतलब कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस वक्त उस डिलीवरी के दौरान ये ऑब्स्टिट्यूशन वहाँ पे खड़ा होगा, वहाँ पे उसकी मदद करेंगे, उस महिला की जो लेबर के दौरान, वुमेन इन लेबर मतलब उस प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, मतलब समझ रहे हो ना उस चीज का, ये इस लाइन का मतलब समझ लेना यार खुद, विच इज विच इन टर्न हैज इट्स सोर्स इन ए लैटिन वर्ब मीनिंग टू स्टैंड मिडवाइफ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वुमेन इन लेबर टू एड इन द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट। क्लियर, बिल्कुल इजी सा है ऑब्स्टिट्यूशन, बाकायदा मैंने आपको हिंदी बता रखी है, ये वर्ड यहाँ से आया है लैटिन के ऑब्स्टिट्रिक्स। नेक्स्ट वर्ड इसी के साथ अभी खत्म थोड़ना हुआ, ये द सफिक्स ICIEN। ओके, इसका बड़ा ध्यान रखना है, ICIEN, एज इन ऑब्स्टिट्रिशियन, फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, सबके साथ में क्या लगा हुआ है, ICIEN, 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 ICIEN एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसके लास्ट में ICIEN लगा होता है वो होता है एक्सपर्ट उस काम में। क्लियर, यहाँ पे वो होता है एक्सपर्ट उस काम में, जैसे फिजिशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन एटसेट्रा, और भी आप जो भी आप ढूंढ पाओ जिसके लास्ट में ICIEN लगा होता है वो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, क्लियर, दाई का काम ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका हिंदी होता है, और दाई का काम, हैज ओनली विद इन द लास्ट 150 ईयर्स बिकम ए रिस्पेक्टेबल स्पेशलिटी। अभी फिलहाल क्या है, 150 सालों से ये कुछ एक रिस्पेक्टेबल इसको स्पेशलिटी माना जाता है, माना गया है, नो फर्दर बैक देन 1834, जो उससे पहले जा था 1834 से पहले की बात अगर करें, प्रोफेसर विलियम पी डोइस, इससे पहले की बात हो रही है, इससे पहले की बात हो रही है, अगर 1834 यानी 150 साल से अगर पहले की बात करें, तब क्या होता था, तब इसको किस नज़र से देखा जाता था वो बताने की कोशिश की जा रही है। एक प्रोफेसर विलियम डी पी डोविस था, एज्यूम द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहले ये दाई का काम किया था, ये काम किया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, एंड हैड टू ब्रेव द कंसिडरेबल मेडिकल कंटेम्प्ट एंड रेडिकल एज ए रिजल्ट। ओके, तब क्या एक इस चीज़ को एक बहुत बड़ा अपमान माना गया था, इसे तिरस्कार की नज़र से देखा गया था वहाँ पे, द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड वॉज देन, तब से क्या हुआ, बच्चे की डिलीवरी को एक देन कंसिडरेबल बीनिथ द डिग्निटी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में उसे एक कम गौरव की नज़र से देखा जाने लगा। ये 1834 की पहले की बात है, ऑब्स्टेट्रिक्स का जो काम करते थे 1834 से पहले का, उसको बहुत कम डिग्निटी आती, जो मेडिकल प्रोफेशन है उसकी डिग्री यानी उसके गौरव में उसको बहुत नीचे का स्थान दिया जाता था। लेकिन अब नहीं है ऐसा कुछ, अब नहीं है, एडजेक्टिव है इसका ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक ध्यान से देखना, OB, यहाँ जो देखें OBSTETRICS, यहाँ S था, यहाँ S हटा दिया गया, ऑब्स्टेट्रिक्स या ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिकल, क्लियर। यहाँ पे चिल्ड्रन, ओके, ये वर्ड हमने पहले देख लिया है, उसी से हम बना रहे हैं, पेडियाट्रिशियन। ओके, आगे देखिए यहाँ ICIEN क्या बता रहा है, ये एक्सपर्ट है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक पेडोस, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, आइटेरिया, IATREI, ये बहुत काम आने वाला वर्ड है, एक ग्रीक का एक वर्ड है आइटेरिया, IATREI, ये आपको स्पेलिंग को याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको दिमाग में रखना है आइटेरिया,
इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी उसका मेडिकल मतलब कि दवाई से उसका उपचार करना, एंड आई सी एन एक्सपर्ट। ओके, अब देखो बनाओ जरा इसको, बन जाएगा बच्चे का दवाई से उपचार करने वाला एक एक्सपर्ट। क्लियर? यहाँ पे पेडियाट्रिक्स, बच्चों की दवा करने की विद्या, एक के ये होती है हमारे सामने। देन इज बाय एटिमोलॉजिकल द मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इसके हिंदी में मैंने वो लिख दिया है और इंग्लिश में भी मीनिंग है ये। पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पेडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। क्लियर? ओह यार, काफी काफी बड़ी मेहनत लग जाती है इनको बोलने में भी। देन इज बाय एटिमोलॉजिकली द मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड, मतलब बच्चों का इसका क्या होता है, मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों की दवा करने के एक विज्ञान इसको बोल सकते हैं। एडजेक्टिव में बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव इसका पेडियट्रिक, पेडियट्रिक। ओके, यहाँ तक आपने देखा पीईडी आ रहा था। क्लियर? यहाँ पे पीईडी आ रहा था, देखिए दी पीईडी पेड, यू सी इन लाइक पेडेस्टल, आपने काफी सारे पेडेस्टल, पेडल, पेडेस्ट्रिशियन, पेडेस्ट्रिशियन, वहां पे भी आपने ऐसी चीजें देखी होंगी। इस फ्रॉम लैटिन, ये था ग्रीक, ये था लैटिन। लैटिन में इस पेड का, पीईडी का मतलब होता है, पेडिस का मतलब होता है फुट। एंड डिस्पाइट द आइडेंटिकल स्पेलिंग इन इंग्लिश हैज नो रिलेशन टू ग्रीक पेडोस, अगर हम देखें तो स्पेलिंग में इसका मतलब कि ग्रीक का इसका कोई रिलेशन नहीं होता, लैटिन में इसका मीनिंग अलग होता है। पेडिस का, इसका पेड का मतलब होता है, पीईडी का मतलब होता है पेडेस्टल, पेडल, पेडिस्टिशियन, यानी फुट, पैरों पे। क्लियर? यहाँ पे अब इसके ऊपर बहुत सारे वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, पेडेगोग, 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 पेडेगोजी, पेडेगोजी, पेडेगोजी शिक्षा शास्त्र होता है। पेडेगोजी आप लोगों ने बहुत से सुना भी होगा। विच कम्बाइन, ओके कहाँ गया, विच कम्बाइन, विच कम्बाइंस पेडोज, पेडोज एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। एगोग, एगोग का मतलब होता है लीडिंग, बच्चे को लीड करना, ठीक है। शिक्षा शास्त्र इज एटिमोलॉजिकली द लीडिंग ऑफ चाइल्ड, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। ओके, बच्चे को मतलब बच्चों को एक सही रास्ते पे लेके जाना, पेडेगोजी। एंड टू वट डू यू लीड देम, और तुम क्या उसे लीड करोगे, ये पूछ रहे हैं। ओके, क्या क्या करना होता है, टू लर्निंग, टू डेवलपमेंट, टू ग्रोथ, टू मैच्योरिटी। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ इन्फेंट, इन्फेंट्स आर लेड लेड बाय अडल्ट, दे आर टोट फर्स्ट बाय द पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर्स टू बी सेल्फ सफिशियंट, टू फिट इन टू द कल्चर इन विच दे आर बोर्न है। ओके, यहाँ तक समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसको एडल्ट के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा उसको शिक्षा दी जाती है, फर्स्ट बाय पेरेंट्स एंड देन बाय टीचर, फिर उसके बाद टीचर आते हैं। कब तक, टू बी सेल्फ सफिशिएंट, कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, टू फिट इन टू द कल्चर इन विच दे आर बोर्न, और उस कल्चर में वो फिट होने के लायक ना हो जाए जहां वो पैदा हुआ है। ओके, ये होती है पेडागोजी, पेडागोजी। क्लियर? यहाँ पे हेंस पेडागोजी विच बाय डेरिवेशन मीन्स द लीडिंग ऑफ ए चाइल्ड, पेडागोजी का मतलब होता है लीडिंग ए चाइल्ड, लीडिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे को रास्ता दिखाना, उसका शिक्षा शास्त्र करना, इसे ही बोलते हैं। रेफर एक्चुअली टू द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, एक जो इसका एक्चुअली जो मीनिंग होता है, प्रिंसिपल सिद्धांत एंड मेथड ऑफ टीचिंग होता है। कॉलेज स्टूडेंट मेजरिंग इन एजुकेशन टेक सर्टन स्टैंडर्ड पेडागोजी कोर्स, कॉलेज स्टूडेंट कुछ पेडागोजी कोर्स लेते हैं, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ एडोलिसेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स एटसेट्रा, ऐसे कुछ कोर्स लेते हैं ये जो पेडागोजी कोर्स होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं इसका पेडागोजिकल, ओके पेडागोजिकल। क्लियर यहाँ पे? ओके, पेडागोग, पेडागोग होता है एक अध्यापक, लेकिन इसको अच्छे नजर से नहीं देखा जाता। पेडागोजी इज वर्स निपुण, निपुण कहते हैं, वर्स का मतलब निपुण, इन पेडागोजी निपुण होता है पेडागोजी में, पेडागोग क्या होता है, निपुण होता है पेडागोजी में। बट पेडागोज वॉज एन अनहैप्पी हिस्ट्री, पेडागोग की एक अनहैप्पी हिस्ट्री है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेचुरल मीनिंग ऑफ टीचर, इसका मतलब तो होता है एक टीचर, इट हैज डेटेरियरेटेड टू द पॉइंट वेयर इट रेफर, इसको बहुत बदतर कर दिया गया आज की स्थिति में, टूडे, टू ए नैरो माइंडेड, बहुत उसका नैरो माइंडेड सोच होती है, स्ट्रेट लेस्ड होता है, ओल्ड फैशन पुराने ख्यालों का होता है, डोगमेटिक टीचर होता है, कट्टर टीचर होते हैं, पेडेगोग को बोला जाता है। इट इज अ वर्ड ऑफ कंटेम्प्ट एंड शुड बी यूज विद कॉशन, ये एक अपमान का एक वर्ड माना गया है आज की डेट में, और इसको बहुत समझ के साथ इसको यूज करना चाहिए, पेडेगोग को। क्लियर यहाँ पे? लाइक पेडेगोग डेमेगोग, जैसा पेडागोग है वैसे ही डेमेगोग है। देखो यहाँ मैंने लिखा है प्रजानायक, लेकिन डेमेगोग का मतलब होता है
ऐसा ऐसा नेता जो लोगों को अपने फायदे के लिए भड़काता है, वोट बैंकिंग करता है, डेमागोग, उसे बोलते हैं डेमागोग, डेमागोग। हैज ऑल्सो डेटोरेटेड इन मीनिंग, बहुत एक घटिया मीनिंग होता है उसका, बाय डेरिवेशन ऑफ लीडर। देखो इसके लास्ट में एगोग लगा हुआ है तो इसका मतलब लीडर होता है। ऑफ पीपल, डेमोज, डेमोज का मतलब होता है पीपल, क्या लोगों का, लोगों को लीड करने वाला। वो डेपेडेगो क्या था, बच्चों को लीड करने वाला, लेकिन उसका सिद्धांत क्या थे, बहुत ओल्ड फैशन थे। डोगमेटिक यानी कट्टर टीचर होता था। यहाँ पे डेगमेग होता है जो लोगों का, अरे रुक रहे हैं, हाँ, जो लोगों के इमोशंस का फायदा उठाता है, डेमेगोग। इसको बोलते हैं ए डेमेगोग टुडे इज क्या होता है, एक्चुअली वन हु अटेम्प्ट इन इजंस यानी सार निकालता है, टू मिसलीड द पीपल, लोगों को भड़काता है, मिसलीड करता है। ए पॉलिटिशियन हु फोमेंट डिसकंटेंट, फोमेंट होता है उग्र कर देता है, डिसकंटेंट अमंग द मैसेस, मतलब उस भीड़ को उग्र कर देता है, रोशिंग देम फेवर पिच बाय वाइल्ड ऑरेटरी, मतलब अपनी एक ऐसी वाइल्ड ऑरेटरी होता है, एक ऐसा भाषण देके, घटिया भाषण देके जो भीड़ होती है, जो जनता होती है, उसको उग्र कर देता है, उनको भड़का देता है किसी के प्रति, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, इन अटेम्प्ट टू बी वोटेड इनटू ऑफिस, सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए। क्लियर, यहाँ पे डेमागोग एक ऐसा नेता होता है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है और उनको भड़काता है, घटिया घटिया भाषण देता है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग करता है वो वहां पे। क्लियर, वंस इलेक्टेड डेमागोग यूज पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशन और फॉर्चून। अगर एक बार ये डेमागोग सिलेक्ट हो जाता है, एमपी एमएलए बन जाता है, डेमागोग यूज पॉलिटिकल पावर टू फर्दर देयर ओन पर्सनल एम्बिशन और फॉर्चून, तो वो क्या होता है कि खुद अपनी पावर का यूज करता है अपने लिए, अपने पर्सनल इच्छाओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी नाम तो क्या बताऊँ, यहाँ पे एक एमएलए है दिल्ली में, तो भाई मैं वहाँ जब उसके घर के आगे से गुजरता हूँ तो उस घर का, उसका घर भी बहुत बहुत जबरदस्त है। उसके घर में रेंज रोवर, फॉर्च्यून और ओडी, अच्छी खासी ओडी लेवल की, एक अच्छे पैसे वाली, मतलब बहुत अच्छा रुपया लगाया उस ओडी के ऊपर, तीन इतनी महंगी महंगी गाड़ियां वहां पे खड़ी होती हैं। तो मैं सोचता हूँ यार, एक एमएलए के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। एक और है यहाँ पे, यहाँ पे मैं जगह तो नहीं बता सकता यार, कल को पता नहीं क्या हो जाए, उस बंदे के पास भी, वो एक बार एमएलए बना था दिल्ली में, एक बार एमएलए बनने के बाद भाई साहब उसने अपना घर इतना शानदार बना लिया, दो भाई हैं दोनों के पास, अच्छी खासी गाड़ियां आ गई। और उन्होंने यार, एक ऐसा बंदा जो मतलब जिसको आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि वो एक एजुकेशन, उसमें बहुत सारी अच्छी एजुकेशन है, नहीं, उसमें एजुकेशन नहीं होने के बावजूद भी वो इतनी सारी चीजें लेके चला जाता है। तो ये डेमेगोग कह सकते हैं यार इन टाइप के बंदों को, जो अपना ही फायदा उठाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यार एक पॉलिटिशियन के पास इतना सारा पैसा कहाँ जा जाता है, जो जो वो एक एमएलए एमपी बन जाता है, जबकि उसके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। बहुत से अच्छे भी होते हैं और बहुत से, बहुत से खराब भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे के खिलाफ केस भी चल रहा है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं ऑलरेडी। तो चलिए उस बात को वहां नहीं ले जाते हैं, यहीं हम रखते हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी अभी तो खत्म नहीं हुआ है ये। कहाँ हमने देख लिया था, एक मिनट, थर्ड हमने चिल्ड्रन का आ गए थे हम, पॉलिटिशियन हु इज फादर, ओके। नेक्स्ट जो आ गया, मैनी लीडर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन अकल्स ऑफ डेमेगोजरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, डेमेगोजरी आना था, डेमेगोजरी के कुछ एक इसके अकल्स होते हैं वो, मतलब उनके ऊपर इल्जाम लगा होता है कि उन्होंने खुद का फायदा उठाया। एडजेक्टिव इसका डेमेगो, डेमेगोजिक, डेमेगोजिक खलनायक, ये देखो खलनायक या बाजारी नेता का, बाजारी नेता का इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, खलनायक या एक बाजारी नेता का। ओके नेक्स्ट वर्ड आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता था, जो हमें कोई बीमारी होती थी हमारी स्किन के ऊपर, तो हम जाते थे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन को देखने वाला होता था। ऑलरेडी एक आपको उस जो प्रीवियस वीडियो है उससे तो आपको कहीं ना कहीं इसमें हिंट मिल गया होगा ना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखें, प्लेलिस्ट में बकायदा मैंने नॉर्मन लुइस की जो वन वर्ड पावर मेड इजी है, इसकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे एक एक वीडियो बकायदा मैंने सब, मतलब हर एक सेशन में कराता आ रहा हूँ, तो वो वहाँ से देखना स्टार्ट करिए, फिर ये वीडियो भी आपके लिए अच्छी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ओके डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको याद हो तो क्या होता है, जो स्किन की क्या करता है, उनकी स्किन की जो डिसीज होती है उनको ठीक करता है वो स्पेशलिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी क्या होती है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट की स्पेशलिटी, स्पेशलिटी
स्पेशलिटी होती है डर्मेटोलॉजी, इज ए नेम्ड फ्रॉम ग्रीक डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, एडजेक्टिव डर्मेटोलॉजिकल। ओके ये तो पता चल गया होगा ना, लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस होता है, साइंस एक मेडिकल साइंस, इसकी स्पेशलिटी होती है स्किन की। एडजेक्टिव होता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल। सी दिस लेबल डर्मा इन एनी इंग्लिश वर्ड। अब हम इसको डर्मा को और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं डर्मे में, इंग्लिश वर्ड में हम देखें तो यू विल नो देर इज सम रेफरेंस टू स्किन। फॉर एग्जाम्पल हैपेडर्मिक, हैपेडर्मिक होता है, हैपेडर्मिक होता है चमड़े के नीचे का, बहुत ध्यान से देखना है। हैपेडर्मिक, डर्मिक होता है चमड़ा, स्किन, हैपे होता है नीचे, ध्यान से बहुत इस काम आने वाली चीज़ है ये हैपेडर्मिक। इसका मतलब होता है नीडल पेनिट्रेट अंडर द स्किन, हैपोज का मतलब होता है अंडर, हैपोज का मतलब होता है अंडर, क्लियर। यहाँ पे हैपेडर्मिक का मतलब होता है कोई सुई हमारी स्किन के नीचे अंदर डालना, जो अंदर चुबाना, ठीक है। एपिडर्मिक्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो ऊपर की जो चमड़े का ऊपर का भाग होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। ओके क्लियर, बहुत ध्यान से। हैपिडर्मिस होता है चमड़े के नीचे का, एपिडर्मिस होता है सबसे ऊपर का जो भाग होती है चमड़े का उसको बोलते हैं। टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सी हुज बिजनेस इज टैक्सीडर्मी, जिसका बिजनेस होता है टैक्सीडर्मी। अभी टैक्सीडर्मी क्या होता है, टैक्सीडर्मी वो होता है जो चमड़े को मतलब साफ करता है, उससे कुछ चीज़ें बनाता है, एनिमल की स्किन, जो जानवरों की जो स्किन होती है उससे कुछ स्टफीज हो गया प्रिपेयर करता है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, जैसे पर्स, वो जो चमड़े का काम करने वाला, डर्मेटिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मी प्रिपेयर स्टफ्स एंड माउंट्स, एंड माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स। ये होता है पैकीडर्म, पैकीडर्म मोटे मोटे चमड़े का जानवर, पैकीडर्म होता है मोटे चमड़े का जानवर, पैकीडर्म। देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डर्म का मतलब हो गया स्किन, और पैकी का मतलब आप समझ जाओगे कि अपना क्या होता है, पैकी का मतलब होता है मोटा, मोटा कुछ, पैकीडर्म बनता है मोटे चमड़े का जानवर। जैसे कि इज एन एनिमल विद अनयूजुअल थिक स्किन, थिक स्किन, मोटी स्किन, लाइक एन एलिफेंट, हिपोपोटामस, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, एंड डायनासोर्स, एंड डर्मेटिस्ट। अब आते हैं डर्मेटिस्ट का एक लास्ट वर्ड, डर्मेटिस्ट एक लास्ट वर्ड हमारे साथ बच रहा है, इज द जनरल नेम ऑफ एनी स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और इन्फ्लेक्शन, इन्फेक्शन। एक डर्मेटिस्ट, इसको एक वो एक चीज़ होती है, एक जनरल नेम होता है, एक सामान्य नेम होता है किस चीज़ का। अगर आपको सूजन होगी तो आप कहोगे कि आपको डर्मेटिस्ट है, अब आपको इरिटेशन हो रही है आप स्किन में तो आप कहोगे डर्मेटिस्ट है, या कोई भी सॉरी या कोई भी इन्फेक्शन हो गया आपकी स्किन में तो आप कहोगे डर्मेटिस्ट। एक जनरल नेम होता है, आपको आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप ये बता नहीं पा रहे हो सूजन है या क्या, आप कहोगे कि डर्मेटिस्ट, यू हैव ए प्रॉब्लम ऑफ डर्मेटिस्ट, कि एक आपको प्रॉब्लम है किस चीज़ की, डर्मेटिस्ट की, यानी आपको स्किन की इन्फ्लेमेशन, यानी उसमें सूजन हो गई है, उसमें इरिटेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, तो एक जनरल नेम होता है इन सब का डर्मेटिस्ट, क्लियर यहाँ पे। ओके लास्ट वन है ये पैराग्राफ, इसके बाद एक छोटा सा और है, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोनंसिएशन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो शायद लेंथी हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बातें ना करूँ और आपको ये कंप्लीट करा दूँ जल्दी से जल्दी। दी आई हैव इट, दी आई हैव इट, आँखें होना, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऑलरेडी ए पर्सन हु, क्या करता है, क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो आँखों की बीमारी, आँखों की डिसीज जो होता है वो ठीक करने वाला बंदा होता है। नोट दी, ध्यान देना है, पी एच प्रसीडिंग टी एच, जो पी एच है, ये जो पी एच है वो टी एच के पहले आ रहा है, इज फ्रॉम द ग्रीक ऑफ्थेल्मोस, जो एक ग्रीक के वर्ड है उसमें मिल रहा है ये, देखो ये रहा टी पी एच टी एच, जिसका मतलब होता है आई, इसका मतलब होता है आँख, प्लस में इसके लोगोज लगा दिया जिसका मतलब साइंस और स्टडी, स्टडी करना, क्लियर। यहाँ पे दी स्पेशलिटी, जो इसकी स्पेशलिटी बन जाती है वो बन जाती है ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है किसका, ऑफ्थेल्मोलॉजी का, क्लियर। ये बंदा होता है, इसकी ये स्पेशलिटी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ में, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। दी एडजेक्टिव, इसकी जो एडजेक्टिव बनते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिकल, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल। एंड अर्लियर लिटल फॉर दिस फिजिशियन, स्टिल ओकेजनली यूज इज ऑक्युलिस्ट, ऑक्युलिस्ट, एक जो पहले, ये ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट भी यूज किया जाता था, और एक पहले की बात बताया जा रहा है कि लैटिन में, एक लैटिन है वो ग्रीक था, इसको यूज किया जाता था ऑक्युलिस्ट के, ऑक्युलिस्ट में, फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑक्युलस, एक लैटिन का वर्ड है ऑक्युलस, जिसका मतलब होता है आई, ए रूट ऑन विच द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड आर ऑल्सो बिल्ट, एक रूट वर्ड है जिससे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो बन रहे हैं, जैसे कि ऑक्युलर, ऑक्युलर एन एडजेक्टिव,
दैट रेफर टू एन रेफर टू दिया, एक एडजेक्टिव है जो एक आंख को, मतलब जो आंख को दर्शाते हैं। मोनोकल, मोनोकल मोनोकल ए लेंस और वन आई फॉर वन आई ए लेंस, एक आंख का चश्मा, एक आंख के लिए। मोनोज का मतलब होता है वन, तो ये रहा मोनोकल हो गया। स्पोर्टेड बाई करेक्टर्स इन ओल्ड मूवीज एज ए सिम्बल ऑफ द ब्रिटिश सो कोल्ड अपर क्लासेस। आपने ब्रिटिश मूवीज पुरानी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा एक क्लास पे वो चश्मा लगा के घूमते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा अमीर, वो बहुत एक अपर क्लास का वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो मोनोकल उसको कहते हैं। बैनोकुलर, ये तो आप सभी को जानते होंगे, बैनोकुलर बाइनोक्यूलर फील्ड ग्लासेस दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ द टू आईज, मतलब एक ऐसे ग्लासेस फिट करना जिससे आंखों की रोशनी तेज की जा सके। बाइनोक्यूलर आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने बहुत बार देखा होगा, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं, एंड स्ट्रेंजली इनफ इनोक्युलेट, देखिए इसमें इनोक्युलेट आ रहा है लेकिन अब इसका मीनिंग बड़ा अलग है। इनोक्युलेट ए वर्ड कॉमनली, बेशक आप ये आपको ये करना होगा यहाँ पे जो इसकी प्रोनाउंसिएशन देगी आपको, साथ ही साथ यहाँ पे आपको करते चलना है। इनोक्युलेट ए वर्ड कॉमनली मिसपेल्ड विद टू एन व्हेन यू आर इनोक्युलेटेड इनोक्युलेटेड अगेंस्ट डिसीज, जब आप इसका यूज करते हैं इनोक्युलेटेड, इसका मतलब होता है एक डिसीज के, एक बीमारी के प्रति इनोक्युलेटेड करना। और फिर आई पंचर, एक आंख के मात्र एक छोटा सा एक पंचर करना या होल करना आपकी स्किन में, ताकि तो विच सीरम इज इंजेक्टेड, एक सुई जो है आपके शरीर के अंदर लगाई जा सके। इनोक्युलेटेड का मतलब होता है इंजेक्शन की एक जो सुई होती है वो आपके शरीर के अंदर लगाई जाना, क्लियर यहाँ पे। लेकिन देखिए बना ओक्युलस उसी से है लेकिन इसका मीनिंग ही कुछ डिफरेंस बन रहा है, तो इससे आप बेशक ये वर्ड याद रख सकते हैं। देखिए रट्टे से कोई चीज़ याद नहीं होती, एक बाकायदा एक रूट वर्ड आप देखेंगे ना कहीं से बन के आए, कहाँ से बन के आए, वो एक निमोनिक होता है ना, निमोनिक आपने सुना होगा, जिसमें आप इमेज बना लेते हैं किसी वर्ड्स के प्रति, काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए आप एक कोई इमेज बना लेते हैं, कोई ट्रिक बना लेते हैं। एफेबल हो गया, एफेबल बेलबल, जो भी बेल मिल गई वो पलाना, ऐसा कुछ होता है यार। वो ऐसे निमोनिक से बेटर है कि आप ये जो वर्ड्स जो इसके वर्ड पावर में इसी में दिए हैं, इसके साथ में जो रूट दे रखे हैं, ये एक बार आप ये बुक कर लो। साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ कि ये बुक अगर आपने परचेज कर रखी है तो बहुत अच्छी है, साथ में जो वीडियो आए तो इसको लेके बैठो। सारी की सारी हिंदी में भी बता रहा हूँ, कुछ एक वर्ड्स जो है मैं हिंदी में भी लिख चुका हूँ, बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो आप वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते चलो साथ ही साथ। और जिसके पास अगर बुक नहीं ले कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी देख लो, ये पढ़ते चलो, बस ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये चीज़ अगर आप कर जाओगे ना तो आपको कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इवन आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई हो जाएगी, क्लियर यहाँ पे। चलिए इसका इनोक्युलेट का मतलब होता है पंचर होल इज मेड इन योर स्किन थ्रो विच सीरम इज इंजेक्टेड। डू नॉट कन्फ्यूज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्युलिस्ट, इन दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ए मेडिकल स्पेशलिस्ट विद नो अदर प्रैक्टिशनर हु डील विद द आई, ओके इन दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्युलिस्ट के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, विद टू अदर प्रैक्टिशनर हु डील विद द आई, जो आंखों के लिए डील करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिशियन, ओके ऑप्टिशियन देखिए आईसीआई ना गया नहीं है, जो आंखों के प्रति यानी एक्सपर्ट होगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट मैटर का मतलब होता है मापना, आंख मापना या विजन मापना, आंखों की रोशनी मापना, ठीक है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आर नॉट फिजिशियन, एक फिजिशियन नहीं होता, एंड डू नॉट परफॉर्म सर्जरी और एडमिनिस्टर ड्रग, ना ही वो कोई सर्जरी करता है ना ही वो कोई ड्रग्स, जो ड्रग होती है ना ही वो कोई ड्रग देता है, मतलब कोई दवाई देता है। दे मेजर विजन, सिंपल सिंपल वे आंखों की रोशनी मापते हैं। टेस्ट दी ग्लोकोमा एंड प्रिस्क्राइब एंड फिट ग्लास, और जो बताते हैं क्या चीज़ नहीं करनी है, या फिर सिंपल सी जात वो ग्लास यानी चश्मा चढ़ाने के काम आते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिशियन फिल एंड ऑप्टीमेट्रिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्रैंडिंग लेंस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, दे डू नॉट एग्जामिन द पेशेंट्स। ऑप्टिशियन क्या होता है, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए, उसने आपकी आंख चेक की, आपको उसने विजन मापा, आपकी कमजोर है, तो आपको एक एक पर्ची बना के दे देगा। तब आप इस ऑप्टिशियन के पास जाओगे चश्मा वाले के, आप उसको कहोगे कि भैया मुझे चश्मा चाहिए, तो वो ये क्या करेगा, सिंपल सिंपल आपको वो चश्मा दे देगा, वो लेंस दे देगा, उससे कोई लेना देना नहीं, वो ना आपको एग्जामिन करेगा ना कुछ और, क्लियर यहाँ पे। ऑप्टोमेट्रिस्ट कंबाइन विद ऑप्सिस ऑप्टिकल्स, साइट और विजन, साइट देखना और विजन की, इन दोनों यानी इनसे ही मिलकर बना, इसका मतलब ये होता है
विद मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, बहुत ध्यान रखना मेट्रोन का, बहुत काम आने वाली चीज है। ज्योमेट्री सुने ना, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ये वर्ड आप देख सकते हैं, मेजरमेंट। दी ऑप्टिमेट्रिस्ट, दी ऑप्टिमेट्रिस्ट बाय एटिमोलॉजिकली इज वन हु मेजर विजन। ऑप्टिमेट्रिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो मेजर करता है रोशनी को, आंखों की रोशनी को, कितनी तेज आंख है। दी स्पेशलिटी, दी स्पेशलिटी इज ऑप्टिमेट्री, ऑप्टिमेट्री, ऑप्टोमेट्री। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्टिशियन आ गया हमारे सामने, ऑप्टिशियन इज बिल्ड एंड ऑप्टिशियन इज बिल्ट ऑन ऑप्टीज, ऑप्सीज, ऑप्टिकोज प्लस आईसीएन एक्सपर्ट, इसके साथ मिला बना हुआ है, यानी आंखों का एक्सपर्ट। दिस स्पेशलिटी इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इसकी स्पेशलिटी होती है, ऑप्टिक्स की एडजेक्टिव होता है ऑप्टिमेट्रिक्स, ऑप्टिमेट्रिक, ऑप्टोम, ऑप्टोमेट्रिकल या ऑप्टिकल, जो एडजेक्टिव आप ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इसकी स्पेशलिटी, आप एडजेक्टिव इनका यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखने वाले हैं, कैसे इनको प्रोनाउंस करेंगे, फिर इनकी एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। एक बार सारी ये चीज़ कर लो आप, कभी मतलब ये वर्ड्स ना आपको दोबारा से, इतना ये नहीं है कि आपको दोबारा दोबारा ये एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो ऐसा आज तक कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब ये बुक पढ़ी अच्छे से कंप्लीट कर ली। इवन देखो यार, आप प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों को, जैसे जैसे बुक में बोला गया, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जैसे वैसे ही करते चलोगे ना, आपको ये दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने अच्छे से वर्ड्स याद हो जाएंगे, ना आपको कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। यकीन मानो, मैंने आज तक कहीं पर भी कोई बुक नहीं, कोई वर्ड नहीं लिखा है इस, जो मैंने ये रैनन मार्टिन, ये रैनन मार्टिन की नहीं, नॉर्मल लुईस की जो मैंने बुक पढ़ी, इवन मैंने कहीं भी सिंगल भी वर्ड नहीं लिखा, सिंपल सिंपल अपनी बुक ली, उसमें प्रैक्टिस की, उनको रिवाइज भी नहीं किया, मैंने कभी रिवाइज नहीं किया। हाँ, मैंने एक, मेरे पास एक शीट होती थी, उसमें बहुत सारे वन वर्ड होते थे, उनके साथ मीनिंग लिखे होते थे, बस उनको रिवाइज करता रहता था। लेकिन इस बुक को मैंने दोबारा नहीं पढ़ा, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी यार, इतना अच्छे से क्लियर हो गया था एक बार में। ऐसे ही अगर आप भी अगर एक बार में क्लियर कर जाओगे ना अच्छे से, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको रिवीजन की। बस बस शर्त शर्त यह है कि अच्छे से आपको चीज़ देखनी है, कंसंट्रेट होके आपको देखना। अब जैसे जैसे अब ये जो एक्सरसाइज आएंगी, वो एक्सरसाइज भी आप लोगों को करनी है। क्लियर, चलते हैं फिर। कुछ एक यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये देखिए, इंटर्न, इंटर्न, इंटर्न बोलते हैं, इंटर्न, आर साइलेंट है, इंटर्न। गैनिकोलॉजिकल, गैनिकोलॉजी बोल दो, गैनिकोलो, जिनिकोलॉजी बोल दो, जिनिकोलॉजी, जो भी है आप जो मर्जी बोलना चाहो, गैनिकोलॉजिकल बोल दो, जिनिकोलॉजिकल बोल दो, कुछ भी। ऑब्स्टेट्रिक्स, 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 ऑब्स्टेट्रिक, इसमें एस नहीं था, इसमें इसमें एस था, इसमें एस नहीं है। ऑब्स्टेट्रिकल, पेडिट्रिक्स, पेडिट्रिक्स, पेडिट्रिक, पेडिट्रिक। नेक्स्ट आ गया पेडेगोगी, पेडेगोजी, पेडेगोजी, पेडेगोजिकल, पेडेगोग, डेमेगोग, डेमेगोग्री, डेमेगोग्री, डेमेगोजिक, डेमेगोजिक। क्लियर, यहाँ पे बोलना है ये साथ ही साथ आपको, वीडियो पॉज करनी है और खुद अपने आप बोलना है, ठीक है? मैं तो कर ही रहा हूँ। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, देखो यार, मैं तो चाहता था स्किप भी कर सकता था, ये लिखवाना, ये लिखना, इतना सारा ये करना, ये मैं कर सकता था, लेकिन चाहता हूँ कि यार मैं भी साथ ही साथ करूँ, तो आप भी साथ ही साथ करें। क्लियर, जिनको करना हो वो करेंगे यार। ओके, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिकल, हैपेडर्मिक, हैपेडर्मिक, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मी, पैकीडर्म, डर्मेटिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल, ऑक्युलिस्ट, ऑक्युलर, मोनोकल, मैनिक्यूलर, इनोक्युलेट, इनोक्युलेट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्री। क्लियर, थोड़े कुछ एक हो रहा है कि बस यही है। ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टोमेट्रिकल, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से थे, इतना कुछ हार्ड तो था नहीं कि आप नहीं बोल पाएंगे। अगर आपसे नहीं बोला गया तो इवन एक बार पीछे जाएंगे, वीडियो पॉज करें और बोलने की कोशिश करें उस चीज को। प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे नहीं कि आप बोल दो कहीं जाके, आप खड़े हो तो कोई आपसे वर्ड भी पूछे, तो होता है ना यार, मुझे वर्ड आता है बहुत अच्छे से, मैं उसको प्रोनंसिएट कर सकता हूँ, तो वो चीज करें। और एक और चीज, काफी सारे मैंने ना चैनल देखा यार, मैंने एक, क्या बताऊँ उस चैनल का नाम, चलो छोड़ो, वहां पे एक टीचर मैंने देखे, ये क्या होता है यार, बोलना जरा इसको, एंड होता है ना, इसको इंड बोलते हैं, ठीक है? ये क्या होता है,
एरर होता है, ईरर बोलते हैं उसको, ईरर। ये क्या होता है? नाउन होता है, उसको नोन बोलते हैं। अरे मकाए कमाल हो यार, तुम क्या कर रहे हो यार यहाँ पे ने? अगर नहीं आती चीजें तो यार कम से कम बच्चों को मिसलीड तो मत करो ना यार, मत करो, छोड़ दो उनको यार। पहले क्या होता था, अगर किसी टीचर के पास आप जाते थे तो वो टीचर अगर नहीं आती थी, वो ये कह देता था कि मुझे नहीं आती यार, ठीक है कहीं से देख लो पढ़ लो, मुझे नहीं आती। लेकिन आजकल टीचर पता क्या कर रहे हैं, उसको चीजें नहीं आती, ना आते हुए भी बच्चे को ये नहीं बोलेगा नहीं आती, कहीं और से देख ले पढ़ ले, या वो बच्चे को मिसलीड करेगा, उसको ना उसको टीचर को तो आती नहीं, वो उसको कुछ और बता देगा जबकि उसका मीनिंग कुछ और होता है। ऐसे ही चल रहा है यार, यूट्यूब पे ऐसे ही चल रहा है बहुत सारी चीजें। तो यार थोड़ा सा संभल के रहो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना यार। क्लियर? चलो भाई यहाँ आ जाओ, अब बताओ, अब आपको वही करना है जो ये वर्ड है इस किस लाइन से मिलता है, आपको वो देखना है। वीडियो पॉज करो, दोनों एक्सरसाइज, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों एक्सरसाइज एक साथ कर डालो, ठीक है? चलो पॉज करो वीडियो को, करें शुरू। ओके, गैनेकोलॉजी क्या करता है? गैनेकोलॉजी हम यहाँ देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, नो, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में तो जाएगा नहीं है। स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल, नो, नहीं जाएगा। स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, नो। स्टेयरिंग अप डिसकंटेंट अमोंग द मैसेज, नो। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेज, नहीं। स्पेशलिटी डीलिंग विद वुमेन डिसीज, नो। स्पेशलिटी डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ, ओके वुमेन वाली, ये वुमेन वाला ये जाएगा, मुझसे गलती से हो गया, ये एफ में आ जाएगा। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन क्या था यहाँ पर, हमने अभी देखा था डिलीवरी के टाइम, ये रहा डिलीवरी ऑफ वुमेन इन्फेंट्स, ये इसमें चला जाएगा, तो दूसरे का हमारे सामने सी हो जाएगा। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स क्या करता है, जो बच्चों की बीमारी ठीक करता है। स्पेशलिटी डीलिंग विद दी ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेफिनेटली थर्ड का जी चला जाएगा। पेडेगोगी, पेडेगोगी होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। एक और था, एक स्पेशलिटी ऑफ डीलिंग ऑफ डिलीवरिंग, ये तो नहीं गया, एक मिनट, सी गया, एफ गया, जी गया, ओके यहाँ बचा ये रहा प्रिंसिपल ऑफ, ये आ गया हमारे सामने यहाँ। डेमेगोग्री ये क्या जाएगा, डेमेगोजरी, डेमेगोजरी बोलते हैं इसको, डेमेगोजरी। इसमें क्या जाएगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में तो गया, ये भी गया। स्टीरिंग ऑफ डिसकंटेंट अमोंग द मैसेज, यस डी जाएगा ये। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी ओके ई में जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब भी बचा स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, ये सातवां में चला जाएगा बी। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ भाई। हैपीडर्मिक, हैपीडर्मिक क्या करता है, जो स्किन के अंदर की बात कर, अंदर स्किन, इनसाइडर, इनसाइडर ये आएगा, इनसाइडर ये आएगा, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, स्पेलिंग गलत हो गया। इनसाइड द स्किन आना था यहाँ पे, इनसाइड द स्किन, इनसाइड द स्किन आना था, गलत है। एपिडर्म्स, एपिडर्म क्या करता है, एपिडर्म की जो जिसकी त्वचा मोटी होती है, तो इसका ए कर दूं मैं। पैकीडर्म, पैकीडर्म क्या करता है, पैकीडर्म मोटी जब त्वचा होती है, नहीं, पैकीडर्म होती है मोटी त्वचा, हो, पैकीडर्म होती है मोटी त्वचा। एपिडर्म होता है त्वचा की बाहरी स्किन, बाहरी आउटर लेयर ऑफ स्किन, ओके ये एफ में जाएगा, एफ में जाएगा। सी गया हमारा, एफ गया और ए गया, क्लियर? ए गया भाई, ए गया। आई डॉक्टर कौन होता है, डर्मेटिस्ट, डर्मेटिस्ट, डर्मेटिस्ट क्या करता है, वन हु मेजर विजन, नहीं। लेंस गिंडर, नहीं। इन्फ्लेशन, यस डर्मेटिस्ट ये होता है जी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर होता है, बी आएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मेजर करेगा विजन को, यस ये डी में चला जाएगा। ऑप्टिशियन, लेंस, लेंस ग्राइंडर ये हो जाएगा हमारे सामने ई। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपको यस और नो में आपको कौन सा, आपको जवाब देना है। और भी है क्या इसके बाद? हाँ कुछ एक बस, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म होता है। यस और नो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और आप देखो पहला सेंटेंस, एक से लेके 13 तक, यस कौन से और नो कौन से। चलें करें शुरू। ओके पहला है, डज इट ट्रेटीज एन, निबंध होता है इसका मतलब, निबंध ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स डील विद चाइल्ड बर्थ, क्या अगर हम इसके ऊपर निबंध लिखें जो चाइल्ड बर्थ के ऊपर काम करता है, क्या ये सही है? ऑब्स्टेट्रिक्स, यस ये ऑब्स्टेट्रिक्स क्या आता है, एक दाई का काम होता है, ये एक चाइल्ड बर्थ के दौरान ही काम आते हैं। डज गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस डेफिनेटली इसका भी यस है।
इज पेडियाट्रिक्स कंसर्न विद डिसीज ऑफ ओल्ड एज? नो, पेडियाट्रिक्स क्या करता है, बच्चों की बीमारी के साथ कंसर्न होता है, ना कि ओल्ड एज के साथ, तो ये नो हो गया. डज पेडागोजी रेफर टू ए टीचिंग? ओके, पेडागोजी क्या एक टीचिंग को रेफर करता है, बताओ भाई. यस, पेडागोजी क्या होता है, एक टीचिंग. पेडागोजी, पेडागोग इज एन एक्सपर्ट टीचर? नो, पेडागोग इज नॉट एक्सपर्ट टीचर, इसका आएगा नो हमारे सामने. इज ए डेमागोग इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ पीपल? नहीं, डेमागोग कहाँ से वेलफेयर के, लोगों की भलाई के लिए वो चिंतित होगा, इसका नो आ जाएगा. इज ए लाइन ऑफ पैकीडर्म? क्या जो शेर की त्वचा होती है वो मोटी होती है? नहीं यार, उसकी इतनी मोटी नहीं, जैसे एलिफेंट बोला गया ना, तो वहाँ पे उसकी तरह से. इज द एपिडर्म्स वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन? क्या एपिडर्म का मतलब ये होता है कि कोई स्किन की एक लेयर हो? यस, डेफिनेटली वो ऊपरी लेयर होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेयर तो है, तो इसका आ जाएगा हमारे सामने यस. नेक्स्ट, इज डर्मेटिस्ट एन इन्फ्लेशन ऑफ द वन ऑफ द लिम्स? देखिए, इन्फ्लेशन होता है स्किन में, ना कि लिम्स में. जरूरी नहीं होता वो लिम्स से रेफर करे, वो पूरी स्किन से कहीं पर हो सकता है, तो इसका नो आएगा. नेक्स्ट, इज ए टैक्सीडर्मिस्ट इज मेडिकल प्रैक्टिशनर? नहीं, टैक्सीडर्मिस्ट कहाँ से मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा नो हमारे सामने. नेक्स्ट, इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इज ए मेडिकल डॉक्टर? यस, डेफिनेटली इज ही इज ए मेडिकल डॉक्टर, इसका आ जाएगा यस. इज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर? नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है? नहीं होता, ऑप्टोमेट्रिस्ट वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होता, वो सिर्फ विजन मापता है आंखों की, उसका और कोई लेना देना नहीं होता. डज एन ऑप्टिशियन प्रेजेंस ग्लासेस? यस, ऑप्टिशियन क्या करता है, सिर्फ ग्लासेस का ही काम करता है, वो ग्लास चढ़ाने के काम आता है. यस, तो आप अपने देख लीजिए आपको कौन सा सही लगा और कौन सा आपका गलत था. नेक्स्ट, थोड़ा सा और रह गया. अब आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है. वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, आप बेनिफिशियल, बेनिफिशियल एक्सरसाइज है ये आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वर्ड और भी अच्छे से याद करने को, और ऊपर से उनकी स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद करने को मिलेगी यहाँ पे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पेशलिटी, आपको स्पेशलिटी बतानी है, ना कि वहाँ पे उस नाउन का यूज करना है, स्पेशलिटी बतानी है. तो बहुत इन चीज़ें होती है, एक नाउन, एक एडजेक्टिव, यहाँ पे आपको चीज़ें अलग अलग बतानी पड़ती हैं यहाँ, ठीक है. तो स्पेशलिटी बतानी है, स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी होती है ऑब्स्टिट्रिशियन, ऑब्स्टिट्रिक्स, ऑब्स्टिट्रिक्स, ऑब्स्टिट्रिशियन तो वो करता है, वो क्या करता है, ऑब्स्टिट्रिक्स करता है. ओके, ऑब्स्टिट्रिक्स, ऑब्स्टिट्रिक्स, क्लियर. OBSTETRICS, हाँ यही है. आउटर लेयर ऑफ स्किन, ओके, एपिडर्म, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये तो अब तो याद हो गया होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, क्लियर. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ओके, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होती है पेडागोजी, पेडे पेडे PED आएगा, पेडागोजी, PED, पेडे PED, GOGY, पेडेगोजी, क्लियर, पेडेगोजी. थिक स्किन, ओ पैकीडर्मी, पैकीडर्म, स्किन, स्किन आ गया, पैकीडर्म ये आएगा, PECH, पैकीडर्म, DERM, पैकीडर्म, क्लियर. थिक स्किन हो गया. स्किन इन्फ्लुएंशन, ये आ जाएगा डर्मेटिस्ट, डर्मेटिट्स, 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 ये यहाँ TITS. नेक्स्ट आएगा वन हु फोमेंट पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, मतलब जो लोगों को भड़काता है पॉलिटिकल, डेमेगोग, डेमेगोग, क्लियर. यहाँ पे वन हु स्पेल सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट बेचता है, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, ओके. नेक्स्ट वन मेडिकल ग्रेजुएट, साथ हो गया ना, मेडिकल ग्रेजुएट सर्विंग हिज अप्रेंटिसशिप, इंटर्न, इंटर्न, इंटर्न होता है, इंटर्न, INTERN, या लास्ट में आप इसके ई लगा सकते हो एन के बाद, ओके. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड डिसीज, पेडियाट्रिक्स, 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 पेडियाट्रिक, PEDI, पेडिया, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स, TRICS, पेडियाट्रिक्स, ओके. स्पेलिंग आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी, पेडियाट्रिक्स करनी पड़ेंगी. प्रैक्टिस ऑफ स्टीरिंग अप पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, डेमेगोग मैंने 6th में कराया था ना, डेमेगोग, तो ये क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस, अच्छा जो प्रैक्टिस करता है, अच्छा ये डेमेगोरी, डेमेगोग, डेमेगोजरी, डेमेगोजरी, ओके, हाँ डेमेगोजरी, DEMA, DEMAGOGUSERY,
ERY डेमेगोजरी, ये ERY लगा देंगे इसके, ये तो था डेमेगोज, इसके साथ में डेमेगोजरी जो प्रैक्टिस करते हैं। वन हु स्टफ द स्किन ऑफ एनिमल, कौन बनाता है? टैक्सी डर्मिस, काम ज्यादा टैक्सी डर्मी होता है, करता कौन है? टैक्सी डर्मिस्ट कहते हैं। टैक्सी टी ए आना था, टैक्सी डर्मिस्ट, टैक्सी डर्मिस्ट, टैक्सी डर्मिस्ट हो गया। अनदर लिटल अनदर टाइटल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अगला कोई टाइटल हमें बताना हो, ओक्युलिस्ट हो गया जो एक लैटिन वर्ड था हमारे सामने, ओक्युलिस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलमेंट, एलमेंट देखिए बहुत बार ये वर्ड यूज हो चुका है, बहुत बार ये वाला वर्ड ओके, एलमेंट तो बहुत बार यूज हो चुका है। ओके क्या बोल रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल गैनिकोलॉजी, गैनिकोलॉजी, गैनिकोलॉजी। नेक्स्ट भाई 14, मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू डिसीज ऑफ द आई, ओके आई ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये स्पेशलिटी पूछा है इसने, ध्यान देना पूछ क्या रहा है, स्पेशलिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी, OPHTH ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट वन लेंस ग्लास, ओके मोनोकल, 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 MONOCL, मोनोकल। नेक्स्ट पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग टू द आई, पर्टेनिंग जो आंखों, ऑक्युलर, ऑक्युलर, ओके। वन हु मेजर विजन, ऑप्टिमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये तो कुछ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट नहीं है, बस इतने थे। ये कुल एक 17 जो थे इसके हमने देख लिया, अब क्या करना है? अब तो बस खत्म ही हो गया यार, करना क्या? मैं भी पागल हो गया हूँ। ये तो देख कुछ एक आपके सामने मैंने जो 10 आपको डॉक्टर के नाम बताए थे, कार्डियोलॉजिस्ट, अभी कुछ एक और बाकी हैं, वो अगली वीडियो में जो 6th सेशन आएगा, मैंने क्या कहा था, 4th से लेके 6th सेशन चलेगा, 4th में मैंने नाम बताए थे, 5th में उसके ऊपर हमने काम किया, 6th में भी उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो 5th के अच्छे से आपको देखने, बहुत अच्छे वर्ड्स थे, अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर आपने सारी प्रैक्टिस की है बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप देख लोगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगी, लिंक जो है वो टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का एक चैनल मिलेगा, बकायदा हर जितनी भी वीडियो मैं अपनी करवा चुका हूँ अपने चैनल पे, उन सब की पीडीएफ जो है वो आपको वहां मिल जाएगी, तो वहां से आप लिंक पीडीएफ अपना ले सकते हैं, लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एज यूजल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके एक शेयर से उम्मीदें बढ़ती हैं, एक मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।